चंडीगढ़ के गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं का नहाते हुए वीडियो बनाने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि ऐसी ही घटना कानपुर में हुई है। छात्राओं का नहाते समय वीडियो बनाने का आरोप हॉस्टल के एक कर्मचारी पर लगा है। आक्रोशित छात्राएं सड़क पर उतरी हैं और जमकर हंगामा चल रहा है। पुलिस छात्राओं को शांत कराने की कोशिश में जुटी है। आरोपी कर्मचारी को हिरासत में ले लिया गया है। मोबाइल की जांच के लिए सर्विलांस टीम को लगाया गया है और वहीं आरोपों के आधार पर कानपुर कमिश्नरेट पुलिस फिलहाल आरोपी पर गंभीर धाराओं में मुकदमों की बात कही। लड़कियों ने बताया था कि वार्डन और संचालक को बार बार ये इन लोगों ने कंप्लेंट किया, लेकिन अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार के कंप्लेंट को इन लोगों ने अनसुना कर दिया था। आज वार्डन और ये वहाँ के जो दूसरे संचालक हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हमने मोबाइल हैंडसेट सीज किया है, एफएसआर हम उसको भेज रहे हैं, उसके जो कुछ भी है। वहीं पूरे मामले में हॉस्टल की छात्राओं का कहना है कि कर्मचारी के पास जो मोबाइल फोन मिला है उसमें छात्राओं के कई वीडियो हैं। उनका कहना है कि विरोध पर शुरुआत में हॉस्टल की वार्डन कर्मचारी का सपोर्ट कर रही थी, लेकिन थाने आने के बाद पुलिस ने सख्त रवैया दिखाते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया और उसके मोबाइल की भी जाँच हो रही है। मोबाइल में कई आपत्तिजनक वीडियो छात्राओं ने देखे हैं। वहीं जब छात्राओं की शिकायत पर घटना के बाद हॉस्टल में पहुंची पुलिस ने आरोपी से जब मोबाइल मांगा तो उसने फोन देने में आनाकानी करी, जिस पर पुलिस ने आरोपी की पिटाई भी कर दी, जिसका वीडियो छात्राओं ने खुद हॉस्टल के अंदर से बनाया। पुलिस के मोबाइल खोलने के बाद छात्राओं ने मोबाइल में कई अश्लील वीडियो देखे। छात्राओं का कहना है कि उन लोगों ने अपने साथी का वीडियो बनाते आरोपी को देखा था। हालांकि गुस्साई छात्राओं ने हॉस्टल को खाली कर दिया है। इससे पहले चंडीगढ़ में एक हॉस्टल की छात्राओं का नहाते समय वीडियो बनाने का मामला सामने आने के बाद जमकर हंगामा हुआ था। कुछ छात्राओं ने इसके बाद सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। हॉस्टल की एक छात्रा पर अन्य छात्राओं का वीडियो बनाने का आरोप लगा था। कानपुर में काकादेव के तुलसी नगर में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का हॉस्टल किराए पर चलता है। इस हॉस्टल में लगभग 60 छात्राएं रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं। आरोप है कि इस हॉस्टल में पिछले 7 सालों से काम करने वाला एक कर्मचारी छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाता था। यह कर्मचारी छात्राओं के कमरे और बाथरूम में जाकर अश्लील वीडियो बनाता था। एक छात्रा बाथरूम में नहा रही थी, इसी दौरान कर्मचारी ने बाथरूम के टूटे दरवाजे के निचले हिस्से से मोबाइल डालकर उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। छात्रा को भनक लगी तो उसने शोर मचाया। इस पर हॉस्टल में रहने वाली अन्य छात्राओं ने कर्मचारी को पकड़ लिया। छात्राएं हंगामा करते हुए सड़क पर आ गईं और पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस के पहुँचने पर आरोपी कर्मचारी को उसके हवाले कर दिया गया। छात्राओं ने हॉस्टल और थाने में हंगामा किया। रावतपुर एसओ ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। हिरासत में लिए गए युवक के मोबाइल की भी पड़ताल हो रही है।